मौजा सामीन, आज की इस वीडियो में हम मक्का मुकर्रमा की मुकम्मल तारीख के बारे में बताएंगे। आइए बिला ताखीर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौजा सामीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा के शिकम मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा के कोई औलाद न थी, इसलिए उन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा और इनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। अल्लाह ताला की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया, चुनाचे आप पर वही नाजिल हुई कि आप हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरज़मीन में छोड़ आएँ जहाँ बे आबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ उस वक्त ना कोई आबादी थी, ना कोई चश्मा, ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मुश्क में पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ रख कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा ने फरियाद की कि ए अल्लाह के नबी, इस सुनसान बयाबान में जहाँ ना कोई मोनिस है ना गमखार, आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से हमें यहाँ ला कर छोड़ा है या अल्लाह के हुक्म से आपने ऐसा किया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे यकीन कामिल और पूरा पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह करीम मुझको और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले आए। चंद दिनों में खजूरें और पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ और उनके सीने में दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख और प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा ने पानी की तलाश और जस्तजू में 7 चक्कर सफ़ा और मरवा की दोनों पहाड़ियों के लगाए मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ पटक पटक कर रो रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियों के पास ज़मीन पर अपना पैर मारकर एक चश्मा जारी कर दिया और उस पानी में दूध की खासियत थी कि यह ग़िज़ा और पानी दोनों का काम करता था। चुनाचे यही जमजम का पानी पी पी कर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे तो शिकार के गोश्त और जमजम के पानी पर गुज़र बसर होने लगी। फिर कबीला जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए उस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए और उस कबीला की एक लड़की से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ एक आबादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का यह हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें। चुनाचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा को तामीर फरमाया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और मक्का के रहने वालों के लिए जो एक तवील दुआ मांगी वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मज़कूर है। मौज़ा सामीन, इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दो चीज़ें तलब की, एक तो ये कि कुछ लोगों के दिल औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मायल हों और दूसरे इन लोगों को फलों की रोज़ी खाने को मिले। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआएं कबूल फरमाईं। चुनाचे इस तरह लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ मायल हुए कि आज करोड़ा करोड़ इंसान मक्का मुकर्रमा की ज्यारत के लिए तड़प रहे हैं और हर दौर में तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर मुसलमान खुशकी और समंदर और हवाई रास्तों से मक्का मुकर्रमा जाते रहे और क़यामत तक जाते रहेंगे। और अहले मक्का की रोज़ी में फलों की कसरत का ये आलम है कि बावजूद ये कि शहर मक्का और उसके कुर्ब व जवार में कहीं ना कोई खेती है ना कोई बाग बागीचा है, मगर मक्का मुकर्रमा की मंडियों और बाज़ारों में इस कसरत से किस्म किस्म के मेवे और फल मिलते हैं कि फ़र्त ताजुब से देखने वालों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। अल्लाह ताला ने ताइफ की सरज़मीन में हर किस्म के फलों की पैदावार की सलाहियत पैदा फरमा दी है कि वहाँ से किस्म किस्म के मेवे और फल और तरह तरह की सब्ज़ियाँ मक्का मुअज़्ज़मा में आती रहती हैं और इसके अलावा मिस्र और इराक बल्कि यूरोप के ममालिक से भी मेवे और फल बकसरत मक्का मुकर्रमा आया करते हैं।
ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकतों के असरात और समरात हैं जो बिला शुबा दुनिया के अजायबात में से है। उसके बाद आपने ये दुआ मांगी जिसमें आपने अपनी औलाद के अलावा तमाम मोमिनीन के लिए भी दुआ मांगी। उसके अल्फाज ये हैं, ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला रख, ए हमारे रब और मेरी दुआ सुन ले, ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। मौज़ा सामीन, इस वाक़े से दो बातें ख़ास तौर पर मालूम हुई। नंबर एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब ताला के बहुत ही इताअत गुज़ार और फरमा बरदार थे कि वो बच्चा जिसको बड़ी बड़ी दुआओं के बाद बुढ़ापे में पाया था, जो आपकी आँखों का नूर और दिल का सुरूर था, फितरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको कभी अपने से जुदा नहीं कर सकते थे। मगर जब अल्लाह ताला का यह हुक्म हो गया कि ऐ इब्राहीम तुम अपने प्यारे फरजंद और उसकी माँ को अपने घर से निकाल कर वादी बता की उस सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ आओ जहाँ सर छुपाने को दरख्त का पत्ता और प्यास बुझाने को पानी का एक कतरा भी नहीं है, ना वहाँ कोई यारो मददगार है, ना कोई मोनिस और गमखार है, दूसरा कोई इंसान होता तो शायद उसके तसव्वुर ही से उसके सीने में दिल धड़कने लगता, बल्कि शिद्दत गम से दिल फट जाता। मगर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुदा का ये हुक्म सुनकर ना फिक्रमंद हुए, ना एक लम्हा के लिए सोचो विचार में पड़े, ना रंजो गम से निढाल हुए, बल्कि फौरन ही खुदा का हुक्म बजा लाने के लिए बीवी और बच्चे को लेकर मुल्क शाम से सरजमीन मक्का में चले गए और वहाँ बीवी बच्चे को छोड़कर मुल्क शाम चले आए। अल्लाह अकबर, इस जज्बा इताअत शियारी और जोश फरमा बरदारी पर हमारी जान कुर्बान। नंबर दो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फरजंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए नहायत ही मोहब्बत भरे अंदाज में उनकी मकबूलियत और रिज़्क़ के लिए जो दुआएँ मांगी, उससे यह सबक मिलता है कि अपनी औलाद से मोहब्बत करना और उनके लिए दुआएँ मांगना यह हज़रात अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका है, जिस पर हम सब मुसलमानों को अमल करना हमारी सलाह और फलाह दारैन का ज़रिया है। मौज़ा सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।